सबको हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया था मैं, सोचा चलिए आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ मैं सुबह से क्या कर रही हूँ। सुबह से किचन में लगी हुई हूँ और मेरी अब से पहले तैयारी हो जाती वो नहीं हो पाई आज की। आज ही मैं सब चीज़ें बना रही हूँ, बस थोड़ी ऐसी तबीयत ढीली चल रही थी। फिर आज सुबह मैंने रात मावा निकाला और उसके बाद में मैंने बर्फी जमाई, तो लौकी की लोज बनाई थोड़ी सी और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट वाली बनाई है। तो बस ऐसे से थोड़ी सी जमी नहीं थी, वो थोड़ा बिगड़ गई थी, फिर उसको बस दोबारा से किया। तो दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हो रहा है। और बन रही है पकौड़ी, क्योंकि अब दोपहर में फलहार का टाइम हो रहा है, तो हम पकौड़ी मतलब पकौड़ी आलू कुछ भी खाओ व्रत का खाते हैं। तो देखो ये बन रही है पकौड़ियाँ और ये तैयारी कर दी है मैंने और ये प्लेट्स लगा दी है और ये चटनी बनाई थी धनिए की, धनिया मंगाया और ये बनाई थी मतलब इसकी लौकी की लौज, बस इतनी ही बनी थोड़ी सी क्योंकि मावा थोड़ा था, तो बस यही बन पाई थी। और बाकी बनाई थी ड्राई फ्रूट्स वाली, ये ड्राई फ्रूट्स की है तो ये पहली बार बनाई है मैंने, तो ये थोड़ा बहुत मतलब क्योंकि मावा ने तो ये चाशनी में ही करनी होती है, तो ऐसे करके तो पीसीस से इसके मोटे मोटे बने थे, तो इस तरह से बनाया था फर्स्ट टाइम। ये वाली तो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करी है और ये बनाई ये मुझे लगनी थी जमी की, पर ये जम गई बहुत अच्छे से, पर थोड़ी बनी है। तो चलिए और आप लोग भी खा लीजिए। और इसमें आलू बलने रखे मैंने शाम के लिए, जो रात को बनेंगे, हमारे फलहारी खाते हैं तो रात में आलू फ्राई कर लेंगे। बस इसलिए पकौड़ी दिन में बना ली, रात में हैवी हो जाती है पकौड़ियाँ, तो मैं कहूँ दिन में बच्चे भी व्रत हैं तो सब लोग खा लेंगे। तो बस इसीलिए फुर्सत नहीं हो रही, सुबह से थकावट बहुत ज़्यादा हो गई। मैं सुबह से उठी थी, सड़क से काम किया और इसमें लगी हुई हूँ, पैरों की बैंड बज गई मेरी, और बस इसकी बनाने के बाद खा के मैं रेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से शाम को, और देखते सोसाइटी में थोड़ा बहुत प्रोग्राम है कुछ गाने वगैरह का, देखते क्या प्रोग्राम है, तो आप लोग भी शाम को दिखा दूँगा। और बस अब ये मन चल दिए मंदिर के लिए, शाम मतलब 10 बज चुके थे, हम लेट गए थे मंदिर क्योंकि फिर हम बाद में ही आए थे जब चांद निकल गया था, आरती हो गई थी मंदिर में, हम उसके बाद ही आए थे। और यहाँ प्रोग्राम हो रहा था मतलब जो किशन जी के गाने भेंटे वगैरह झांकियाँ ये सब थी, और मंदिर में आरती वगैरह करने के बाद भी हम आए थे, फिर आके घर की पूजा करी और फिर चाँद को रख दिया, और चाँद इतनी लेट निकला 1:30-2 बज गए थे हमें, और उसके बाद रख दे के फिर हम सोए थे। और ये देखो यहाँ पर शुरू हो चुका, आप भी देख लीजिए कैसा हो रहा है यहाँ पे, और फिर मंदिर के आप भी दर्शन कर लीजिए। और चैनल को जो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। और ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है बहुत अच्छा सा, और आप प्लीज़ दर्शन कर लीजिए। ऊपर से आए हो।
अब ये आ सकती है। अरे बात सुनो, आपने भगवान को नचा दिया, आपने कन्हैया को नचा दिया, अभी और नौ देवता नाचेंगे। भगवान ना सकता है तो मैं इंसान नहीं ना सकता। सच्चाई है, खड़े हो गए अपनी कुर्सी के आगे, खड़े हो या वीडियो बन लीजिए अपनी कुर्सी के आगे, यहाँ बता होना खड़े, जिसके पैर नहीं है वो नहीं खड़े होना, आप यही हो जाओ। ओए होए हड़ताल भाजी, आप ऐसे हो तो ना खड़ा हो सके, वो नहीं वो खड़ा हो सकता है, कसम से कन्हैया की वो खड़ा ना हो। अरे ऐसा आनंद तो मुझे जिंदगी में नहीं आया, और एक काम और करना है, वहीं से देखो एक काम और करेंगे। हाँ देखिए ये करना है आपने, तो भी कैसे कैसे ताली मिला के नाच के 1 2 3 4 सोसाइटी में कह के जा रहा हूँ गुरुजनों के साथ।
के दिया बाबुलने माँ मुझे हंस के दिया Thank you.
सबने बधाई देनी है। देखिए आप अकेले अकेले सबने टॉफी का आनंद लेना है, सब लेंगे टॉफी, घर में जाएंगे पियेंगे कॉफी। और बाकी बिहारी लाल की जो सुबह से भोग लगा सारा भोग यहीं रखा हुआ, अब सारा भोग को उठा लेंगे हम लोग खा लेंगे। और ऐसे में जन्माष्टमी बनी, तो आपको कैसे लगी वीडियो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, देन बाय।